हेलो गाइस, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए स्पेशल मुंह में जाते ही घुलने वाले अंदर से लेयरदार ऐसे शुगर कोटेड शक्करपारे यानी के खुरमे। तो एक मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर से एकदम लेयरदार बनते हैं ये। तो परफेक्ट मेजरमेंट और सभी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप भी इन शक्करपारों को दिवाली के लिए ज़रूर ट्राई करिए। आपके अनुभव मुझे मेरे चैनल पर शेयर भी करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नई नई रेसिपीज आपको सीखने को मिलेगी। और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और प्यारे से इस रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने घी रखा है गरम होने के लिए, इसे हमें मोयन के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको खस्ता शक्करपारे बनाने हैं तो मोयन के लिए आपको घी का ही यूज़ करना है। वैसे आप यहाँ पर तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 350 ग्राम मैदा यानी कि मैंने 3 कप मैदा लिया है, थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया है। तो जो मीठे चीज़ें होती हैं अगर हम उसमें थोड़ा सा नमक का यूज़ करें तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें लगभग 3 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। अब देखिए हमें 350 ग्राम मैदा के लिए घी मोयन के लिए कितना ऐड करना है, इसका कोई मेजरमेंट मैं आपको नहीं बताऊंगी। जस्ट जब हम इस घी को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसकी मुट्ठी बननी चाहिए, तब आप समझिए कि आपका जो घी का मोयन है एकदम परफेक्ट हो गया है। तो इसे मिक्सअप करते हैं और इसकी मुट्ठी बनाकर देखेंगे। घी और मैदा दोनों चीज़ों को हमें एकदम अच्छी तरह से इस तरह से मल मल कर मिक्सअप करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो शक्कर पारे हैं एकदम लेयरदार बनेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि तोड़ने के बाद अंदर से जो शक्कर पारे हैं कितने लेयरदार दिखते हैं। तो बस इसी ट्रिक को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके शक्करपारे भी ऐसे ही लेयरदार बनेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इसकी मुट्ठी बन रही है, मतलब एकदम परफेक्ट मोयन का जो प्रमाण है हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके हमें क्या करना है, इसका एक डो प्रिपेयर करना है। तो डो जो है ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए ना ही तो ज़्यादा सख्त। तो जैसे कि हम पराठों के लिए डो बनाते हैं बस वैसा ही डो हमें यहाँ पर शक्करपारे बनाने के लिए प्रिपेयर करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इस तरह से मैंने इसका डो बना लिया है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो ट्रिक है ये भी बहुत ज़रूरी है, हमें इस डो को करीबन 10 मिनट तक इसी तरह से मसल मसल कर चिकना बनाना है। इससे क्या होगा कि जब हम शक्करपारे बनाने के लिए इसकी रोटी बनाएंगे तो उस पर बिल्कुल भी दरारें नहीं आएंगी और आपके शक्करपारे ऊपर से एकदम प्लेन बनेंगे और अंदर से लेयरदार। सो देखिए मैंने यहाँ पर जो आटा है अच्छी तरह से मसल लिया है। अब हम इसे इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और अब एक एक लोई को उठाकर हमें अच्छी तरह से एकदम प्लेन बेलना है। तो इसे हमें मोटा मोटा ही बेलना है, जैसे कि हम रोटी बेलते हैं उसके जैसा पतला नहीं बेलेंगे। सो देखिए गाइस, मैंने इसे इस तरह से मोटा सा बेल लिया है। अब किसी कटर या चाकू का यूज करके हम इसके कट्स लगाएंगे। तो आप चाहे तो इसे डायमंड शेप में या चौकोर भी काट सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो खुरमी है इस तरह से लंबी लंबी होती है तो मैं इसे लंबा ही काटूंगी। तो बिल्कुल छोटी छोटी साइज में अब हम इसके इस तरह से लंबे लंबे कट्स लगाएंगे और बाद में इसे फिर से डिवाइड करते हैं 3 या 4 पार्ट्स में। सो देखिए, और एक बात कि इस रोटी को हमें बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं बेलना है, क्योंकि ये जो खुरमे होते हैं व्हाइल फ्राइंग ये थोड़े से फूल जाते हैं ऑयल में, तो इस वजह से हम इस रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। और अब इसी तरह से जो बाकी की लोइयां हैं इसे भी बेलकर मैं खुरमे की साइज़ में काट लेती हूँ। और खुरमे फ्राई होने के लिए मैंने साइड में ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए गैस पर। और क्योंकि हम कम क्वांटिटी में आज इन्हें बना रहे हैं तो इतने शक्करपारे तैयार होने तक हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। तो इन्हें तैयार करके एक पेपर या फिर किसी थाली में भी आप इसे स्प्रेड करके रख सकते हैं। सो देखिए हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, तो अब हम इन शक्करपारों को डाल देते हैं फ्राई होने के लिए।
अब फिर से एक टिप मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगी कि देखिए हमारे जो शक्करपारे हैं साइज़ में थोड़े से मोटे होते हैं, तो इन्हें हमें बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, ना ही तो एकदम हाई टेम्परेचर वाले ऑयल में इन्हें डालेंगे। तो ऑयल का जो टेम्परेचर होता है मीडियम होना चाहिए जब हम इन शक्करपारों को ऑयल में डालते हैं। और दूसरी बात, इन शक्करपारों को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, वरना ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह सकते हैं। सो देखिए बातों बातों में हमारे शक्करपारे अच्छे से लाइट ब्राउन कलर पर फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो एक बैच के शक्करपारे फ्राई होने में करीबन 8 से 9 मिनट लग जाते हैं, तो इन्हें फ्राई करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसे इस तरह से लाइट ब्राउन कलर पर ही फ्राई करना है। वैसे गाइस इस तरह की जो मिठाइयाँ होती हैं इनकी प्रोसेस दिखने में तो आसान लगती है, लेकिन इसके परफेक्शन के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनको अगर हम अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी परफेक्शन नहीं होता है इन रेसिपीज में। तो इसके लिए मैं जो भी टिप्स और ट्रिक्स आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ उसको अच्छे से फॉलो करके आप भी इस तरह से परफेक्ट मज़ेदार खस्ते लेयर वाले खुरमे बना सकते हैं। और इसी तरह से अब मैं बचे हुए खुरमे भी फ्राई कर लेती हूँ, और इन्हें बिल्कुल हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, इस तरह से लाइट ब्राउन यानी के बादामी कलर पर। तो जब तक लास्ट वाली बैच फ्राई हो रही है, साइड के गैस पर हम शुगर सिरप प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है 1.5 कप चीनी। अगर ग्राम में नापी जाए तो 300 ग्राम चीनी है ये, और चीनी डीप हो जाए इतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसे हमें कंटिन्यू इस तरह से चलाना है, और गैस फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो पर रखी हुई है जब तक कि चीनी पानी में अच्छे से घुल ना जाए। अब ये शक्करपारे भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारी चाशनी भी राइट कंसिस्टेंसी में आ गई है, तो पहले मैं गैस को बंद कर देती हूँ ताकि चाशनी ओवर कुक ना हो जाए। और इसे कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो स्पैचुला के ऊपर लगी हुई चाशनी हमें 2 उंगलियों में इस तरह से लेकर इसे चेक करना है। देखिए इस तरह से एकदम लंबा तार बनना चाहिए, इसका मतलब आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो शक्करपारे हैं इसे डाल देते हैं चाशनी के अंदर और अच्छे से मिक्सअप करेंगे। अब देखिए इसे हमें तब तक इस तरह से मिक्सअप करना है जब तक कि चाशनी पूरी तरह से ठंडी होते होते शुगर की जो लेयर है इन खुरमों के ऊपर अच्छे से बन जाए। तो इसे ले लेती हूँ गैस पर से नीचे ताकि अच्छे से इसे मिक्सअप कर पाऊँ। और इस प्रोसेस को हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है क्योंकि हमारे जो खुरमे हैं बहुत ही खस्ता बने हैं, तो अगर आप इसे ज़ोर ज़ोर से मिक्सअप करेंगे तो खुरमे टूट जाएंगे। तो जैसे जैसे चाशनी ठंडी होने लगेगी ये गाढ़ी हो जाएगी और इन खुरमों के ऊपर चाशनी की लेयर इस तरह से बननी शुरू हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ ही समय में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी चाशनी, और इसके ऊपर चीनी की लेयर एकदम अच्छे से इस तरह से तैयार हो जाएगी। देखिए और हमारे जो खुरमे हैं इस तरह से एकदम अलग अलग हो जाते हैं जब चाशनी इसमें पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। तो 350 ग्राम मैदा के लिए 300 ग्राम चीनी एकदम परफेक्ट रेशो है। आपने देखा कि शुगर सिरप बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आई होप के आज की लेयरदार खस्ता शक्करपारे की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो खत्म होने से पहले इस प्यारी सी रेसिपी के लिए एक लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।